अरे यार 119 रन बनाए तो फ्लावर समझे का फायर है मैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई 6 रन कम बना लिए होते तो मैच जीत लेते। भाई अगर 6 रन कम भी बना लिए होते तब भी मैच इंडिया वाले जीत लेते। हम लोग तो खेला खेल रहे थे, लेकिन यार जब मैच पाकिस्तान हारी तो नसीम रोते हुए नजर आए। इतना दिल पे ले लियो का भाई? उनको पता है कि पाकिस्तान वापस जाएंगे तो लात जूता बजता है, अब वो कौन खाएगा भाई एयरपोर्ट पे जाके। और भाई अमेरिका में इंडिया वाले हार जाएं, मोदी जी की बेइज्जती करा देगा। इतना अच्छा संबंध बना है अमेरिका के साथ, इतने अच्छे अमेरिका के नज़रों में इंडिया टॉप पे है, और हम वहाँ पे हार जाएं वो भी पाकिस्तान से, बेइज्जती कराएगा भाई। मैच तो इंडिया जीतेगी और इंडिया ने जीत लिया। लेकिन अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो बुमराह भाई, बुमराह ने इस मैच को गुमराह कर दिया और पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया। जब प्रोजेक्टेड दिखाया जा रहा था तो 93% मैच जीत रहा था पाकिस्तान, और केवल 7% दिखाया जा रहा था कि मैच इंडिया जीतेगी। लेकिन भाई लास्ट में 100% मैच इंडिया ने जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियंस। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में रिजवान का कैच उठवा दिया था, लेकिन शिवम दुबे ने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बुमराह बुमराह है भाई, बाबर आजम को ही सही, बाबर आजम को स्लिप पे सूर्य कुमार से कैच दिलवा दिया। उसके बाद अक्षर पटेल ने LBW करके विकेट लिया, लेकिन भाई मोहम्मद रिजवान का विकेट तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोहम्मद रिजवान तो कह रहे थे मैं तो मैच जिता के ही जाऊंगा। बुलाया भाई रोहित शर्मा ने बुमराह जी को, तीसरा ओवर था बुमराह जी का, कहा बाद में डलवाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई कि रोहित शर्मा ने बुमराह को बुलाया, कहा डालो भाई ओवर, और डाला। पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सोचा कि छक्का लगाएंगे, बुमराह ने कहा ठीक है भाई तुम छक्का लगाओ, हम तुम्हारी गिल्लियां उड़ाते हैं, और भाई वही हुआ, गिल्लियां बाहर हो गई। और फिर बुमराह का बचा एक लास्ट ओवर, जो 19वां ओवर था वो बुमराह से डलवाया गया, और बुमराह ने भाई आपको इकोनॉमी तो पता ही है बुमराह की, दो ओवर में चाहिए थे 21 रन और लास्ट वाले ओवर में बुमराह ने छोड़ दिए 18 रन बनाने के लिए। मीन्स बुमराह ने केवल और केवल 3 रन दिए अपने 19वें ओवर में, और लास्ट ओवर लेके आए अर्शदीप, और पाजी इतने बुरे बॉलर तो नहीं है कि अपने एक ओवर में 18 रन दे दें। पहली गेंद पर विकेट ले लिया और इंडिया इस तरह से पाकिस्तान से मैच जीत लिया। भाई इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान नसीम शाह मैच हारने के बाद ग्राउंड में ही रोने लगे, और ऐसे वैसे नहीं भाई, बहुत तेज तेज रोने लगे। भाई इन पाकिस्तान वालों को हारने से ज्यादा इस बात का गम होता है कि पाकिस्तान जाएंगे तो एयरपोर्ट पे लात घोसे चप्पल सब तैयार होंगे बजने के लिए, उनका सामना कौन भाई कैसे करेगा? नसीम शाह रोने लगे ग्राउंड पे ही। आप बताइएगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान ऐसे कौन रोता है भाई? हार गए, आप पहले बता देते कि इस तरह से रोएंगे हम बाद में, दे देते मैच इंडिया वाले बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, आप कह देते कि भाई वहां जाके बहुत मार लगती है तो आपको पहले ही दे दिया जाता मैच, रोने की क्या जरूरत थी यार, इस तरीके से रोते हो अच्छा नहीं लगता है भाई, ग्राउंड पे इस तरीके से नहीं रोना चाहिए, बेइज्जती होती है पूरे।